दिवाली स्पेशल हलवाई जैसे खस्ता और मुंह में घुल जाने वाले शक्कर पारे आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ खास टिप्स इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलिए शक्कर पारा बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मैदा। ट्रेडिशनली ये मैदे से ही बनाए जाते हैं, जिससे शक्कर पारे लंबे टाइम तक खराब नहीं होते हैं। अब इस मैदे में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप घी, और ये 125 ml घी है। घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से रब करते हुए हमें घी को मिक्स कर लिया है, जिससे पेठे में जो लेयर्स हैं वो खुलकर आएंगी। हल्के हाथों से आप मुट्ठी बांधकर भी देख सकते हैं, मैदा अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी एकदम परफेक्ट है। अब हम गुनगुना पानी लेंगे, इसे इकट्ठा करते हुए इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो इसे हमें ज्यादा नीड नहीं करना है, बस इस मैदे को बाइंड करना है। तो इसे ज्यादा नीड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे इकट्ठा ही कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ये डो लग करके तैयार है, 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। अभी डो अच्छे से सेट हो गया है, इस डो को हमें नीड नहीं करना है, बस ऐसे ही इसकी बॉल कट करें और इस तरीके से इसे रोल करेंगे। अब आती है हलवाई वाली वो ट्रिक, शक्कर पारे की लेयर एकदम खुलकर आती है। इस तरीके से थंब से प्रेस करते हुए हमें इसे रोटी के जितना बड़ा बना लेना है। ये देखिए, इस शक्कर पारे पे जो लेयर्स दिखती हैं वो इसी वजह से दिखेंगी। अब हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। इन्हें ज्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम साइज का हम इसे रखेंगे। देखिए, मोटी सी चपाती हमने बना ली है। अब हम इसके शक्कर पारे कट करेंगे, किनारों को हटा देंगे। अब इनके पीसेस कट कर लेते हैं, तो ना तो ज्यादा हमें इन्हें बड़ा रखना है और ना एकदम छोटा रखें। तो जिस साइज के आपको शक्कर पारे कट करने हैं, उस साइज के आप शक्कर पारे कट कर लें। और ये देख सकते हैं इनकी थिकनेस, और इनमें लेयर्स भी दिख रही होंगी। इसी तरीके से इन्हें बेल करके हम एक ट्रे में इकट्ठा कर लेंगे। एक बार में बनाकर आप ट्रे में इकट्ठा कर लें और कपड़े से ढककर रख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है आप, और फ्लेम को लो पर ही रखना है। और आप देख सकते हैं ऑयल बहुत कम गर्म है, लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करें, जिससे ये शक्कर पारे अंदर से खस्ता बनेंगे। और ये देखिए, एक एक करके ये सारे फूल करके ऊपर आ जाएंगे, और फिर हमें इन्हें फ्लिप करना है। और ये देखिए, लो फ्लेम पर ही हमने इन्हें फ्राई किया है, ये सारे फूल करके ऊपर आ गए हैं। अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो जितना हमने इन्हें कट किया था ना, उससे ये अपने साइज के डबल हो चुके हैं। लास्ट में हम फ्लेम को हाई पर कर देंगे, जिससे ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं। लास्ट के 2 से 3 मिनट हम फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर देंगे। और ये देखिए, एकदम खस्ता शक्कर पारे बन करके तैयार हैं। अब हम इनमें चाशनी लगाएंगे, और इनमें चाशनी लगाना भी बहुत आसान है। गैस पर हमें कढ़ाई में लेंगे 400 ग्राम चीनी। हलवाई जितने ज्यादा मीठा बनाना चाहे तो आप 500 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो हम कम मीठे भी खा सकते हैं। हमने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी ले ली है, और जितनी चीनी ली है उसका आधा पानी लेंगे, यानी 200 ml हमने पानी लिया है। हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को चेक करेंगे, ये देखिए पतला सा इसमें एक तार बन रहा है। तो अब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे, और एकदम गर्म चाशनी में हम ये सारे शक्कर पारे डाल देंगे। तो ध्यान रखिए, जब चाशनी में इन्हें डाले तो चाशनी एकदम गर्म हो, जिससे ये जो चाशनी है इनके ऊपर ऊपर नहीं लगेगी, इनके अंदर भी जाएगी। तो अभी हम फ्लेम को लो पर ही रखेंगे, और लो फ्लेम पर इन्हें हम मिक्स करते जाएंगे। और जब ये चाशनी थोड़ी थिक हो जाए और जमने लगे ना, तब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से लो फ्लेम पर इन्हें मिक्स करते रहें। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, आराम से हम इन्हें मिक्स कर पा रहे हैं। तो अगर आप इन्हें ज़्यादा पतला बनाएंगे या मोइन ज़्यादा रख देंगे ना, तो ये टूट सकते हैं। अब ये चाशनी काफ़ी थिक हो गई है, फ्लेम को बंद करेंगे और कढ़ाई को प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे, और कंटिन्यू हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये चाशनी एकदम जमने नहीं लगे। चाशनी काफ़ी ठंडी हो गई है, इन्हें हम एक परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद ये देखिए, चीनी अच्छे से कोट हो गई है इनके ऊपर, और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुई है चीनी की। त्योहारों के लिए खास शक्कर पारे बनकर के तैयार हैं, एकदम खस्ता बने हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर से कीजिएगा, और इसी के साथ हमने बनाई है ये हलवाई स्टाइल नमकीन। तो आप इनकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।